मुझे नहीं लगता किसी भी फिल्म ने ओटीटी रिलीज के लिए इतना वेट करवाया होगा ऑडियंस को। फिल्म भी बहुत बढ़िया थी लेकिन थिएटर में ये फिल्म चली नहीं। मैं बात कर रहा हूँ भेड़िया की, और इसके पीछे कारण भी है क्योंकि वूट और जियो सिनेमा के पास इसका राइट है और वो वूट और जियो सिनेमा मर्ज होने वाले हैं, इसी के लिए ये थोड़ा वेट करवा रहे हैं। और ये भी बात है कि इसमें जो जियो सिनेमा और वूट साथ मिलकर हमको क्रिकेट IPL भी दिखाने वाले हैं अप्रैल में, तो ये तो तय है अप्रैल से पहले भेड़िया हमें देखने को मिल जाएगा। और कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो थिएटर में ये फिल्म चली नहीं थी। 85 करोड़ का इसका बजट था और 68 करोड़ ने इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, लेकिन ओवरऑल बात करूं तो ये फिल्म प्रॉफिट में रही थी क्योंकि इसका जो ये सैटेलाइट राइट है और OTT राइट है उसमें ये फिल्म ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था और ओवरऑल ये फिल्म हिट साबित हुई थी। तो बात कर लेते हैं OTT रिलीज डेट की। तो OTT रिलीज डेट इसका फेब्रुअरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में होने वाला है क्योंकि ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है फिल्म को देखने के लिए और वरुण धवन और कृति सनन की जोड़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिल्म बहुत बढ़िया थी, बहुत लोगों ने अप्रिसिएट किया, लेकिन थिएटर में ये फिल्म चल नहीं पाई। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में तो ये आ सकती है, लेकिन इसकी ऑफिशियली अभी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल से पहले ये जरूर आ जाएगी क्योंकि अप्रैल में हमें IPL देखने को मिलेगा जियो सिनेमा और वुड जो मर्ज हो रहा है उस पर, अप्रैल से पहले ये आ जाएगी ये कन्फर्म है।